अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम आपका? अस्मा। अस्मा, अस्मा आप कहीं काम करती हैं? बच्चे कितने हैं, थोड़ा सा अपना बजट बताओ। मेरे माशाल्लाह दो बच्चे हैं, दो बेटियां मेरी माशाल्लाह, और मेरे हस्बैंड हैं वो ड्राइविंग करते हैं। अच्छा। और उनको यानी कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं, समझे मेरे हस्बैंड हैं, और मैं उनके साथ शाना बशाना चल रही हूँ अपने। तो आपने ये सोचा बच्चों की खातिर के मैं भी जॉब करूँगी तो घर का खर्चा चले? घर का खर्चा चले, क्योंकि उनकी जो सैलरी है वो 10,000 सैलरी है। अच्छा। और जिसमें से आप मकान का किराया कितना दे देते हो आप? 5,000 मकान का किराया। लो जी, मतलब आधी तनख्वाह तो ये खत्म हो गई मकान का किराया, और बिजली गैस का बिल 2,000 बिल लगा ले तो 7,000 आपके ये ख़त्म हो गए, तो मियाँ की तनख्वाह में रह गए 3,000। और आप बताएं कि 3,000 में महीने का खर्चा कैसे चलेगा? तो और 10,000 एक बंदे की सैलरी है, तो इसलिए फिर मैं घर से निकली हूँ, जॉब कर रही हूँ, और अभी अल्लाह का शुक्र है घर का ठीक चल रहा है। लेकिन एक बात है कि जब तक अब कब तक औरतें घर से निकलती रहेंगी? एक बात है, सैलरीज नहीं है हस्बैंड की और अच्छी जॉब्स नहीं है, तो औरतें कब तक घर से निकलती रहेंगी और अपने मर्दों को सपोर्ट करती रहेंगी? ये तो अस्मा आपको नहीं लगता कि ये पॉजिटिव बात है? अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें इंडिया में, वहाँ पे मियाँ बीवी दोनों मिल के वो कहते हैं कि जी वो गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं कि जी दोनों काम करेंगे तो काम बनेगा। तो ये तो एक पॉजिटिव बात है। ठीक है, इकोनॉमी काफ़ी ख़राब है, लेकिन अगर आप कमा लेते हो तो आप अपनी बाकी बहनों को ये मशवरा नहीं दोगे कि वो भी अपने शाना बशाना चलने की कोशिश करें और तरक्की की तरफ चलें? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि हमारे मुल्क का माहौल कैसा है कि औरत 2 मिनट के लिए घर से बाहर। अब मैं हूँ ना, अब मेरी टाइमिंग है सुबह 12 से रात 9 बजे, लेकिन 9 बजे तक जो मैं बस स्टॉप पे खड़ी होती हूँ, वो मुझे पता है कि मैं किन किन माहौल का और किन किन नज़रों का सामना करती हूँ, ये मुझे पता है। तो देखें, आप अगर बाहर के मुल्क की बात करते हैं कि वहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि लेडीज़ अगर दुपट्टा भी नहीं पहनती तो वहाँ पर कोई नहीं देखता। हम फुल अबाय में होते हैं, फुल पर्दे में होते हैं, हमें सर से पाँव तक देखा जाता है। ठीक है, हम अपनी मजबूरी से निकलते हैं, किसी का दिल नहीं करता कि खुशी से घर से निकले, लेकिन कुछ मजबूरीज ऐसी होती है कि बंदा घर से निकलता है, लेकिन उस मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, लड़कियों को तंग किया जाता है कि ये घर से ना निकले, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। अब मैं 9 बजे तक स्टॉप पर खड़ी होती हूँ, मुझे पता है कि मुझे किन किन लोगों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर मोटरसाइकिल वाले रुकते हैं, वहाँ पर रिक्शे वाले रुकते हैं, वहाँ पर पैदल चलने वाले रुकते हैं, ऑफर्स करते हैं, लेकिन मुझे पता है मैंने अपने आप को किस तरह समेट के चलना है, ये मुझे पता है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमारे माहौल ऐसा नहीं कि लेडीज़ घर से बाहर निकल सकें। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए कि हमारे मर्दों की सैलरीज, उनके जॉब्स इतनी अच्छी करें कि हमारी औरतें घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि हमारी औरतें घर से निकलने वाली नहीं हैं, वो घर पर बैठ के काम करने वाली हैं, लेकिन घर के बैठ के ऐसा जो सोसाइटी को सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं इसमें इस बात पे अग्री इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि औरतों को तो काम करना चाहिए, लेकिन जो बात मैं यहाँ पर स्ट्रेस आउट करना चाह रही हूँ, जिस बात को मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, शर्म आनी चाहिए उन हजरात को जो अगर कोई खातून नौकरी के लिए निकली है, अपने बाल बच्चों का पेट पालने की खातिर निकली है, तो अगर वो बस स्टॉप पे खड़ी है तो रिक्शे वाले से लेकर टैक्सी वाला, टैक्सी वाले से लेकर ड्राइवर हजरात और उसके बाद जो है बस वाले, हर एक देखता हुआ जाता है। शर्म आनी चाहिए कि अपने घरों में माँ बहनें बहुएँ बेटियाँ नहीं होती? क्या उन सबके पेट भरे होते हैं? क्या हम अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं कि औरतों को हम घरों के अंदर बंद कर दें? या तो फिर हुकूमत इस हद तक सपोर्ट करे कि जैसे कि अस्मा मेरी बहन का कहना है कि जी मियाँ को इतनी तनख्वाह मिले कि उसमें उसके बच्चे भी पल जाएं और उनका घर का गुजारा भी हो जाए। अगर वो भी नहीं होता तो फिर तंग आके औरत ही बेचारी बाहर निकलती है, और जब वो बाहर निकलती है तो उसको इस किस्म की नज़रों का सामना करना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए इन हजरात को जो इस तरह की हरकतें करते हैं। उनको सिर्फ एक चीज़ सोचनी चाहिए कि वो भी किसी माँ से पैदा हुए हैं, अगर वो औरत की इज्जत करना नहीं सीखेंगे तो ना जाने आगे उनकी बेटियों की इज्जत कौन करेगा। अगर ये चीज़, अगर कोई मर्द किसी बस स्टॉप पे खड़ी हुई औरत को गलत निगाह डालता है तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा करना चाहिए कि वो भी एक माँ से पैदा हुआ है और आगे उसकी भी बेटी होगी और उनको भी यही प्रॉब्लम्स फेस करना होंगे। मैंने हमेशा अपने हर प्रोग्राम के अंदर इस बात को जोर देकर कहा है कि हुक्मरान कभी आके हालात नहीं बदलेंगे, हालात बदलने होंगे तो हमें अपने अंदर ही से बदलने होंगे, अपने एटीट्यूड को, अपने तरीके कार को बदलना होगा। जब ये बदलेगा तो हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त चूँकि हम बजट पर बात कर रहे हैं तो हम गलियों में घूम रहे हैं ताकि लोगों से उनके बजट के बारे में पूछे। एक छोटी सी दुकान है यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम जी, आए आज नीचे बैठ जाइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? खान बादशाह। खान बादशाह साहब, कहाँ से आए? पेशावर का। पेशावर से कितना अरसा हुआ करा? मेरे सदर के ज़माने में आया, सदर बादशाही के में आया था। अच्छा, ये तो कितने साल हो गए? ये मेरी गिन में अनपढ़ है, मैं अनपढ़ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। अच्छा, दुकान चला रहे हो? दुकान पहले नौकरी करता, भी दुकान चला। पहले क्या नौकरी करते? पहले गेमन कंपनी में था, फिर दूसरी कंपनी बिल्डिंग की बना। अच्छा, ये दुकान लगाई है, कितना खर्चा किया दुकान बनाने? दुकान में 14,000। 14,000 रुपये खर्चा किया, इतनी बिक्री हो जाती है? इसमें 300-400 रुपये की बिक्री होती है रोज़ का। नुकसान हो रहा है? नुकसान होता है तो नुकसान तो नुकसान है, फिर क्या करें, किसी के ज़बरदस्ती से फसल तो नहीं ले सकते ना। तो महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? बजट भाई, बात यह है जब तक सर चले गया करें, इस पाकिस्तान में कोई हुकूमत सही नहीं आया, जो आते शोर है। अच्छा। और हम हवाम है बेवकूफ़ो। अच्छा। हवाम है बेवकूफ़ो, और इंसान को अल्लाह ताला ने अंक दिया था, दिमाग दिया था कि सोच समझ से काम करो। इतिहार को नौकरी मिला, निकाल दिया सब, शरफ ने आया, दूसरे फौज का सर पर है, वो भी कुछ नहीं करते, मुल्क तबाह हो गया। महंगाई इतनी ज़्यादा है, ऊपर से लोग तुम मेरे को मारो, तुम वो दूसरे को मारते हैं। अब ये मेरे को बता दो, ये सरहद वाला जो बॉर्डर वाले हैं, ये क्या करते हैं? मसला कहाँ से आते हैं? आसमान से गिरते? यहाँ के बन कर के आ जाते हैं, पैसा लेते? ये हुकूमत बिल्कुल काबिल नहीं है, हुकूमत चलाने वाला लोगों को तबाही कर दिया, और आगे पता नहीं क्या होएगा। अच्छा, घर में कितने अफराद हैं? घर में अफराद वो लड़के भी सब, मेरे सलाद है, हमारा एक बीबी है, एक बेटी है, बस एक ही आदमी। घर में महीने का कितना खर्चे का पैसा? ये तो मेरे को मालूम नहीं, वो बच्चों खर्चा करता, हम ये हिसाब किताब नहीं करते। अच्छा। मकान महंगाई आपको लगता है? मकान का ही मकान अपना है, 6,000 रुपये का रेपी दिया था। अच्छा। और उसमें बिजली बिल भी हम देते, गैस के बिल भी हम देते, तो 4 भी बच जाते, 3 बच जाते, ये बच जाते, हाँ, इसलिए अपना गुजारा अल्लाह ताला चलाते हैं। लेकिन मेरे तो चल, मैं तो पेट में मेरी रोटी भरा हुआ है, तो ये इसके तो ख्याल करना पड़ता है ना, इसके भी ख्याल करना पड़ता है कि ये जालिम लोग आ गए बादशाही में, और एक दूसरे को मारते, एक दूसरे को मार के, कौन सा किताब में है? मतलब पाकिस्तान में आपको लगता है कि सब एक दूसरे को मार रहे? जब तक सदर रईब चले गया ना, मैं कराची में आया था, मैं 16 साल बाद फिर गाँव गया था, इसमें कोई शख्स सही नहीं आया, बेनज़ीर सही था, उसको भी उड़ा दिया था, उसको भी उड़ा दिया था। अभी क्या कर सकते, मेरे को बताओ, ठेलों को हालात को देखो, बसों को हालात को देखो, लोग पैदल भागते हैं, ये हुकूमत है। ये तो मैं बोलता, मेरे को 3 महीने के लिए हुकूमत मिल जाएगा, जिसको हुकूमत हम बता दें, हुकूमत किस तरह होते? ये उसकी घर वाली क्या करते, पेशों में रोज़ धमाका होता है, धमाका कहाँ से आते? वो ये खुद बना के देते बेचते। और बल्कि ये बात और भी है कि ना, अमरीकी का जो हमारा फौजी मर गया, उसकी फौजी हमारा जो इसके आदमी सोने का है, हमारा फिसल का बना हुआ है, हमारा इंसान नहीं है, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है, नहीं खार के पास जवाब है, दूसरे जिलानी के पास जवाब है। नाज़रीन, हुकूमत पे बात कर रहे थे खान साहब, उनका ये कहना है कि सलाला चेक पोस्ट के वाक़े की तरफ उन्होंने इशारा किया, और उन्होंने कहा कि अमेरिका का एक फ़ौजी मर जाता है तो वो सोने का होता है, और जब हमारे लोग मरते हैं तो उनका खून पानी हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और वो ये सवाल उठा रहे हैं और ये बात पूछ रहे हैं, शायद काफ़ी सुनने वालों को उनकी बात ज़्यादा समझ ना आई हो, लेकिन उनका बार बार सवाल ये करना है कि क्या वजह है कि मुल्क के अंदर इंतशार है, हम भाई भाई आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और ये सूरत हाल हो गई है कि बम धमाके कर करके एक दूसरे को उड़ा देते हैं, और हमें ज़रा तरस नहीं आता कि इन मासूम बच्चों का क्या होगा, क्योंकि ये मुल्क हमने जिस मकसद के लिए हासिल किया था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, और ये बच्चे कल हम इनको क्या सिखा रहे हैं, हम इनको क्या फ्यूचर दे रहे हैं, ये चीज़ें कोई सोच नहीं रहा। मज़ीद कुछ लोगों से गुफ्तगू करूंगी, बहुत शुक्रिया आपका, आगे जाने की कोशिश करते हैं। मैं मेरा सारा प्रोग्राम करने का आज एजेंडा ही है ये नाज़रीन, कि मैं चाहती हूं कि लोगों को लोगों से पूछा जाए कि वो इतने कम पैसों के अंदर गुजारा कैसे करते हैं, और आने वाले बजट से उनको, जो बजट आ चुका है उससे उनको क्या एक्सपेक्टेशन है।